राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंत्रालय कर्मचारी पिछले 63 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आज अपने महापड़ाव के 64वें दिन इन कर्मचारियों ने सचिवालय का घेराव करने का प्रयास किया और उग्र आंदोलन किया। अमूमन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कर्मचारियों के मुद्दे पर एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर अमल नहीं कर पा रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को कर्मचारियों के मुद्दे में फैसला लेने में इतना समय लग रहा है? आखिर ये पेंच कहाँ फंसा हुआ है, आइए जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर। इन मांगों में पहली मांग ये कि पदोन्नति के प्रथम पद वरिष्ठ सहायक के ग्रेड पे समकक्ष अन्य कैडर जैसे ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक के अनुरूप 2800 के स्थान पर 3600 की जाए। तदनुसार सहायक प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड पे 4200, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड पे 7600 की जाए। दूसरी मांग ये कि अधीनस्थ मंत्रालयिक संवर्ग में संस्थापन के पश्चात 7वां नवीन पद ग्रेड पे 8700 का मुख्य संस्थापन अधिकारी के पदनाम से सृजित किया जाए। ऐसी पदोन्नति की व्यवस्था समान कैडर में उपलब्ध है। तीसरी मांग ये कि 2013 में किए गए प्रारंभिक वेतन 9840 को पुनर्स्थापित कर 7वें वेतन आयोग में तदनुसार मूल वेतन 25,500 रुपये निर्धारण संबंधी आदेश जारी किया जाए। चौथी मांग ये कि समकक्ष अन्य कैडर जैसे ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी के अनुरूप अधीनस्थ विभागों, पंचायती राज संस्थाओं और निगमों में कनिष्ठ सहायक की योग्यता स्नातक की जाए। तो वहीं पांचवी मांग ये कि राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में मंत्रालयिक संवर्ग के लिए 25% पदोन्नति का कोटा तथा भर्ती में 12.50% कोटा निर्धारित किया जाए। अंतिम मांग ये कि अंतर जिला स्थानांतरण की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। तो ये कर्मचारियों की वो बड़ी मांगे हैं जिन्हें लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं कर्मचारियों के इस आंदोलन के चलते सरकारी दफ्तरों पर ताले लटके हुए हैं। राज्य सरकार के 20 विभागों में कामकाज नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर कार्यालय, परिवहन, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास सहित विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण कामकाज ठप पड़े हैं। ऐसे में यहाँ यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार प्रदेश के बाबुओं की सुन क्यों नहीं रही है। दरअसल राजस्थान के पुलिस महकमे और इन कर्मचारियों का कैडर एक समान ही है। ऐसे में यदि कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देते हुए उनका ग्रेड पे बढ़ाया जाता है तो पुलिस महकमे को भी ग्रेड पे बढ़कर ही मिलेगा। दोनों विभागों का ग्रेड पे बढ़ने से सरकार पर वित्तीय भार ज्यादा आएगा। ऐसे में मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों को ना मानने का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि मंत्रालय कर्मचारियों ने कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मंत्री महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और इनके साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ के साथ मुलाकात भी की, उनसे बातचीत भी उनकी हुई और मंत्रियों की तरफ से कर्मचारियों को आश्वासन भी दिया गया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। हालांकि आज सरकार ने कर्मचारियों के एक डेलीगेशन को वार्ता के लिए भी बुलाया है। तो वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों ने भी अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि यदि राजस्थान सरकार अब भी उनकी मांगे नहीं मानती, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वे अब दिल्ली का कूच करेंगे और राहुल गांधी से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। अब देखना यह है कि कर्मचारियों का यह आंदोलन क्या रुख अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।